हेलो एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है अकेडमिक ईयर 2022-2023 के लिए। तो इस वीडियो के अंदर जो भी एडमिशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एडमिशन के लिए आपको आना किस वेबसाइट पर, तो आपको आ जाना है DU की ऑफिशियल वेबसाइट DU.ac.in। और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ही एक लिंक मिल जाएगा एडमिशन 2022-2023 के लिए, और यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हेयर फॉर एडमिशंस। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल के आएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आ सकते हैं admission.uod.ac.in। इसी वेबसाइट के ऊपर DU के जितने भी UG कोर्सेज है यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा DU के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी PG कोर्सेज है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, DU में इस साल से जितने भी UG कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन CUET के थ्रू करवाए जाएंगे, और जितने भी PG कोर्सेज हैं उनका एडमिशन का प्रोसीजर जो है जैसे पहले चलता आ रहा था, यानी कि DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसी के थ्रू करवाया जाएगा। यानी कि जितने भी UG कोर्सेज हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका एंट्रेंस बेस है उस पर एडमिशन होंगे, और जो भी आपके PG कोर्सेज हैं उसमें जो पहले प्रोसीजर चलता आ रहा था कुछ कोर्सेज में मेरिट और एंट्रेंस दोनों मिलाकर, कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस बेस पे, तो वो पुराना जो प्रोसीजर है वही चलता रहेगा। लेकिन जो UG कोर्सेज हैं उसमें आप CUET जो है अप्लाई हो गया है इसी साल से, ठीक है। अब जितने भी UG कोर्सेज, अब DU के अंदर जो है तीन तरह से UG कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक तो आपके रेगुलर कॉलेजेस होते हैं जैसे हंसराज, मिरांडा हाउस हो गया, सेंट स्टीफन्स हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, ये सारे आपके रेगुलर कॉलेजेस हैं। इन रेगुलर कॉलेज में जितने भी एडमिशन्स हैं वो आपके CUET के थ्रू करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो SOR के एडमिशन्स हैं यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन्स हैं वो आपके पहले की तरह ही मेरिट बेस पे, यानी जितने भी जो परसेंटेज होती है मार्क्स की 50-60% उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन चलेंगे SOR के। हालांकि SOR के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, और SOR के एडमिशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो SOR की वेबसाइट पर आएगी। इसके अलावा जो NCVEB के में जिसको एडमिशन लेना है, NCVEB क्या होता है, नॉन कॉलेजेड वुमेन एजुकेशन बोर्ड, यानी जिसमें जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो एडमिशन इसमें स्टडी करती हैं, उनके एडमिशन जो है वो भी क्राइटेरिया जो पुराना ही चलता रहेगा, यानी मेरिट बेस पे उनके एडमिशन होंगे, और उनका एडमिशन का प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है उनके एडमिशन प्रोसीजर जो है 1 मई से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो PG कोर्सेस है उसका मैंने बता दिया, जो पुराना प्रोसीजर चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन्स होंगे। जो UG कोर्सेज में जो रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे उनके एडमिशन के लिए आपको जो फॉर्म फिल करना है वो DU की वेबसाइट से नहीं फॉर्म फिल करना, आपको जो CUET का जो फॉर्म है वो फिल करना है। वो CUET का फॉर्म का लिंक क्या है, CUET.samarth.ac.in, इस लिंक से जाके आपको फॉर्म अपने फिल करने हैं। इसके अलावा कुछ डेट यहाँ पे डिस्कस कर दूं मैं, जो UG के एडमिशन है उसको फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक है, और जो भी PG के फॉर्म्स हैं उनको फिल करने की जो डेट है वो 6 मई से लेके 6 अप्रैल से लेके 15 मई तक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले मैं UG कोर्सेज के एडमिशन का बता देता हूँ, फिर मैं PG कोर्सेज पे आऊँगा। सबसे पहले UG के कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है CUET.samarth.ac.in। ये जो है CUET की वेबसाइट, इसी से आपको सारे एडमिशन जो है होंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो CUET की वेबसाइट है ये सिर्फ DU के एडमिशन के लिए नहीं है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के लिए आपको एक सिंगल फॉर्म ही फिल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, एप्लीकेशन गाइड, FAQ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसको आपको एक बार चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको के साथ इस चीज़ को शेयर करूंगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं यानी कि फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जो रजिस्टर का यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, इस पर आप जाएंगे तो आप रजिस्टर यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद आप इस पर जाएंगे तो आपको फ़ी वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी है। आप देखिए जो CUET होगा उसमें 2 शिफ्ट होंगे, यानी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे एग्ज़ाम, वो आपके 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो Shift 1 के लिए आपकी फ़ी है 650 और Shift 2 के लिए आपकी फ़ीस है 650, यानी टोटल आपको 1300 रुपये फ़ी लगेगी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर आप OBC से हैं, NCL यानी नॉन क्रीमिलेयर, या फिर आप EW से हैं तो आपकी 1200 रुपये फ़ीस लगेगी दोनों की, और SC ST PWD थर्ड जेंडर इन सब की 1100 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगेगी। जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 3000 यानी 6000 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कंटिन्यू टू प्रोसीड पर जाएंगे तो यहाँ से आप अपना फॉर्म जो है उसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो यहाँ से आप अपने फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको डालनी है। इसके अलावा आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से आपको जो CUET का फॉर्म है वो उसको फिल करना है। अब बात कर लेते हैं PG एडमिशंस की, तो PG एडमिशंस की जो वेबसाइट है वो पुरानी जो DU वाली वेबसाइट है उसी से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडमिशन की वेबसाइट है PGadmission.uod.ac.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसी वेबसाइट से जो अपना फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है।
एक प्रोग्राम में फॉर्म फिल करने के लिए आपकी फीस जो है 750 रुपये है, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। एससीएसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जो फी है वो 300 रुपये पर प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए आपको अलग अलग प्रोग्राम में एडमिशन ले जाना है, जैसे मान लीजिए आपको एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी, बीएड, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, सबके फॉर्म भरने हैं, तो एक प्रोग्राम के आपके 750 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको न्यूज़ यूज़र पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉग इन करके अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप इस कोर्स सेक्शन में आएंगे, तो जो भी जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एलएलबी करना है आपको, तो एलएलबी की यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, आपका आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपकी जो 50% मार्क्स हैं वो होने चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और इसी लिंक पे आप न्यूज रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो यहाँ से आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉग इन करके आप जो अलग अलग प्रोग्राम है उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी एडमिशन से रिगार्डिंग। इसके अलावा जो एडमिशन की डिटेल्स, जैसे मान लीजिए यूजी एडमिशन की डिटेल है, तो आप यूजी एडमिशन पे जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किस तरह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसी तरह से आप पीजी एडमिशन में जाएंगे तो पीजी एडमिशन की भी सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ड्यू के एडमिशन से रिलेटेड। और कोई आपका डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।